वर्तमान काल के पांच भेद हैं। ये कौन से हैं आइए जानें। एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल और चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण देखें, जैसे राम दूध पीता है, माँ मंदिर जाती है, हम व्यायाम करते हैं, वे जाते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आते हैं, ये इनकी पहचान है। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम हो रहा है पता चले उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे वे सो रहे हैं, माँ देख रही है, हम दौड़ रहे हैं और सभी हंस रहे हैं। इन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रही है, रहा है, ये इनकी पहचान है। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे बाजार गए हैं, सीता ने दूध पिया है, मैंने मिठाई खाई है, पिताजी दफ्तर गए हैं। इनमें काम का पूरा होने का बोध हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने का संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल गांव जाता होगा, वह खाना खाता होगा, शाम सिनेमा देखता होगा। संभाव्य वर्तमान काल इसमें वर्तमान काल में कार्य होने की पूरी संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद वह आया हो, वे लौट आए हों, रमा ने गीत गाया हो, उसने पुस्तक पढ़ी हो। अब जानेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्रिया के जिस रूप में कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने रोटी खाई, लड़की ने पाठ पढ़ा। भूतकाल के छह भेद होते हैं, ये कौन से हैं आइए जानें। एक है सामान्य भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिससे क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने सामान लाया, वह दिल्ली गया, उसने दूध पिया। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम की समाप्ति के समय का बोध हो या कार्य समाप्त हुए काफी समय हो गया हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी कल दफ्तर गए थे, राधा घर में सोई थी, उसने पानी पिया था, वे वहां आए थे। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वे सिनेमा देख रहे थे, राधा गाना गा रही थी, मोहन गाय चरा रहा था,
वह खाना खा रहा था। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का संदेह बना रहता है कि वह भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे मंदिर चले गए होंगे, उसने खाना खा लिया होगा, राजू ने किताब पढ़ ली होगी। आसन्न भूतकाल, जिस क्रिया से काम की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही पता चले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह रोया है, आप अभी आए हो, वह घर गया है, उसने शरबत पिया है। इन वाक्यों में कार्य का तुरंत पता चल रहा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है। हेतु हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारण न हुआ, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण है, शायद वे आ जाते, वह आज आ जाता, ये तेज दौड़ते, तुम पानी पीते। भविष्यत्काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत्काल कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक है सामान्य भविष्यत्काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत्काल। सामान्य भविष्यत्काल, जब क्रिया रूप से काम के भविष्य में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे रमा बाजार जाएगी, वह घर आएगा, हम दिल्ली जाएंगे और अंकित किताब पढ़ेगा। संभाव्य भविष्यत्काल, जब भविष्य में क्रिया या काम की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे शायद कमला घर आए, शायद उसने काम समाप्त कर लिया, शायद वह शहर को जाए, शायद मुकेश मेला देखने जाए। बच्चों, आज हमने काल के जो प्रकार थे उनके भेदों के बारे में जाना। थैंक यू।